अल्लाह का वो मारा गया। इसके बाद भी इसराइल ने अपने ऑपरेशंस बंद नहीं किए, बल्कि जमीनी ऑपरेशंस लेबनान में शुरू कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए, इसराइल को टारगेट किया गया है ईरान के जरिए। ईरान अब इसराइल पर हमले कर रहा है, टारगेट कर रहा है। हालांकि जो खामनेई उसके सर्वोच्च नेता थे वो जरूर सुरक्षित स्थान पर भेज दिए गए थे, नसरल्लाह पर जैसे ही इसराइल ने हमला किया था। इसके बाद एहतियातन खामनेई को दूसरी जगह पर भेजा गया था। लेकिन ईरान ने अब, जिसकी आशंका अमेरिका पहले जता चुका था कि ईरान इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है, और हुआ भी वही। अब एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं इसराइल पर, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा। हालांकि अमेरिका ने आदेश दिया है कि वो इन मिसाइलों को बीच में ही ध्वस्त कर दे, बीच में ही खत्म कर दे, इसराइल पर गिरने से पहले ही। हालांकि इसराइल के पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या कहें मिसाइलों के सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम भी हैं इसराइल के पास। अब देखना होगा कि ये कहां और कैसे वो एक्टिव करता है, ताकि मिसाइलों को शहरों पर गिरने से रोका जा सके। लेकिन अभी लगातार हमले हैं, और इन हमले तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे कि कैसे शहरों में ईरान से दागी गई ये मिसाइलें शहर में आकर गिरी हैं, विस्फोट हुई हैं। करीब बताया जा रहा है कि सैकड़ों मिसाइलें इसराइल पर दागी जा चुकी हैं ईरान के जरिए। तो ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। जानकारी शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई कि ईरान ने करीब इसराइल पर एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने बताया कि कुछ समय पहले ईरान से इसराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थी। तो तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस मोड़ पर जाता हुआ ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध है नजर आ रहा है। आखिर इसमें पहले, हालांकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल अपना अभियान आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ईरान की अब सीधी एंट्री हो गई है, और इसके बाद अब अमेरिका की भी सीधी एंट्री होती हुई इस युद्ध में नजर आ रही है। तो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इस वक्त इसराइल में, बंकर में इसराइल की बैठक चल रही है। इमरजेंसी मीटिंग बताया जा रहा है कि इस वक्त चल रही है, चीफ ऑफ स्टाफ की यह महत्वपूर्ण मीटिंग है। आखिर कैसे इसका जवाब दिया जाए, कैसे इससे निपटा जाए, ये स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा चल रही होगी।